गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि जो ये क्या कहते हैं, जो ऐसे कंपाउंड से आयन होते हैं जिनके पास लोन पेयर होते हैं, वो अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल एटम को। ठीक है, तो ये लिखा है कि बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय दीज आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स टू द सेंट्रल मेटल एटम। और जिस ब्रांच में इसकी स्टडी करी जाती है उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखिए, तो कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है सॉल्ट के बारे में, समझना पड़ता है सॉल्ट। और सॉल्ट जो होते हैं जनरली छह तरह के सॉल्ट देखने को आपको मिलते हैं। पहला सॉल्ट इसमें होता है एक नॉर्मल सॉल्ट, दूसरा सॉल्ट इसमें होता है एसिडिक सॉल्ट, तीसरा सॉल्ट होता है इसमें बेसिक सॉल्ट, चौथा होता है मिक्स सॉल्ट, और पांचवा होता है डबल सॉल्ट, और छठा होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ये छह तरह के सॉल्ट होते हैं। नॉर्मल सॉल्ट को अगर हम देखें तो नॉर्मल सॉल्ट का मतलब हमारा हुआ जैसे NaCl से, NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये कैटायन हो गया, ये एनायन हो गया। इसमें एसिडिक सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनके पास डोनेट करने के लिए एच पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, जैसे NaHSO4, ये आपका एसिडिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट वे सॉल्ट होंगे जिनके पास OH नेगेटिव और डोनेट करने के लिए, जैसे BaOHCl, ये तो ये आपका बेसिक सॉल्ट है। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, एक कैटायन के साथ दो एनायन या दो के एनायन के साथ या एक एनायन के साथ दो कैटायन होंगे, इसे हम मिक्स सॉल्ट कहते हैं। जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर का देख सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का CaOCl Cl, तो ये कैटायन हो गया एक और एनायन इसमें दो हो गए। इसके बाद आता है डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। थोड़ा सा पहले आप डबल सॉल्ट को समझ लेंगे। डबल सॉल्ट में जो सबसे अच्छा एग्जांपल आता है वो आता है मोहर सॉल्ट का। किस सॉल्ट का? मोहर, मोहर सॉल्ट, और दूसरा एलम्स का। अब मोहर सॉल्ट क्या होता है आपको पता है, इसमें दो सॉल्ट होंगे, एक तो होगा Fe(SO4)NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2, ये मोहर सॉल्ट है। इस मोहर सॉल्ट में दो सॉल्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो Fe(SO4) दिखाई दे रहा है और एक दिखाई दे रहा है NH4 का होल ट्वाइस SO4। दूसरा सॉल्ट होता है आपका, जैसे LMS होती है M-2SO4, फिर M-SO4 का होल थ्राइस .24H2O, ये LM का फॉर्मूला है। ये M1- का मतलब यहाँ पर को होता है जिसकी वैलेंसी 1, यानी कि मोनोवेलेंट मेटल, और M-SS का मतलब है ट्राइवेलेंट मेटल। ठीक है, तो इससे आपका क्या होता है, जैसे आप पोटास LM या और तरह के LM आपके इससे ही बनते हैं। अब देखिए, जैसे मोहर सॉल्ट की क्या बात होती है, डबल सॉल्ट और इसमें क्या डिफरेंस है इसको समझना है। जैसे कोई डबल सॉल्ट है, ठीक है, डबल सॉल्ट में क्या होगा, जैसे ये है मोहर सॉल्ट है Fe(SO4)NH4 का होल ट्वाइस SO4.6H2। इसको आप वाटर में डालेंगे तो वाटर में ये टूटेगा, Fe2+ प्लस ट्वाइस NH4+ प्लस ट्वाइस SO4-2- और प्लस 6H2O। तो क्या होता है डबल सॉल्ट, पानी में डालने पर ये अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज कर देते हैं। जैसे ये Fe2+ अलग हो गया, NH4 अलग हो गया और SO4 अलग हो गया। तो वो ऐसे सॉल्ट जो ऐसे डबल सॉल्ट जो पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं, वो डबल सॉल्ट कहलाते हैं। दूसरे होते हैं ऐसे वाले कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, जैसे K4Fe(CN6), इनको आप पानी में डालेंगे तो ऐसे टूट जाएगा, 4K+ FeCN का
होल सिक्स फोर निगेटिव। ये पानी में डालने पर अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स आयन बना रहे हैं, FeCN सिक्स टाइप का ये कॉम्प्लेक्स आयन इन्होंने बनाया है। अब होता है क्या है इनकी में, जैसे एक सेंट्रल मेटल होती है, इससे क्या होता है ये जो लिगेंड्स होते हैं यानी जो लोन पेयर डोनर एटम होते हैं इन्हें लिगेंड्स बोलते हैं, ये इनको क्या करते हैं अपने लोन पेयर डोनेट करते हैं इस तरह से, समझिए। और इस पर पॉजिटिव निगेटिव का चार्जेस है फोर निगेटिव और के फोर के पॉजिटिव, ये इसमें क्या होता है आयनी बॉन्ड भी होता है, और जैसे ये सी ट्रिपल बॉन्ड NN में कोवलेंट बॉन्ड है और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो के फोर एफिशियंस करते हैं अपने ऐसा कंपाउंड है कि ये तीनों तरह के बॉन्ड आपको दिखा रहे हैं। अब जैसे इसके एग्जांपल होते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के एग्जांपल जैसे हैं K4Fe CN6, ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल जैसे हो गया K2NiCN का होल फोर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिए, जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होते हैं जनरली तीन तरह के कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे ये आपने ध्यान देना है। नंबर वन ऐसे सॉल्ट मिलेंगे जैसे ये जो है, ये देखिए ये आपने देखा होगा, जैसे इसमें दिखा रहा हूँ मैं, जैसे ये जो ये रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर SPHER, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर हुआ। अब इस कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बाहर ये वाला हिस्सा जो हुआ ये, इसे हम कह रहे हैं आयोनाइजेशन स्पेयर, ये क्या कह रहा है आयोनाइजेशन स्पेयर, ठीक है। अब एक तो सॉल्ट ऐसे होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे आयोनाइजेशन स्पेयर होता है, दूसरा ऐसे होते हैं जैसे ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है इसके पीछे आयोनाइजेशन स्पेयर होगा, और तीसरे ऐसे होते हैं कि दो कोऑर्डिनेट स्पेयर आपको देखने को मिलेंगे ऐसे इस तरह से, तो ये दूसरा, ये तीन तरह के कंपाउंड आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब जो ये पहले वाला मिल रहा है जिसमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर के आगे आयनाइजेशन स्पेयर है, इसका मतलब है इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है वो निगेटिव है इस वाले पहले वाले केस में। जब आयनाइजेशन स्पेयर पीछे है तो इसका मतलब हुआ इसमें जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव है, और इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स आयन पॉजिटिव पीछे वाला निगेटिव होगा, आगे वाला पॉजिटिव और पीछे वाला निगेटिव, ये तीन तरह के आपको सॉल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले बात आती है इसमें, जैसे कोई स्ट्रक्चर है तो इसमें सबसे पहले बात आती है क्या, जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है देखिए K4Fe CN6 ये है, तो ये तो आपने देख लिया था, ये आपका क्या था इसमें बता दिया है मैंने कोऑर्डिनेशन स्पेयर, इस पर ये जो ये लगा है Fe, इस Fe को समझना है, ये Fe इसमें होता है सेंट्रल मेटल, और जो ये CN लगी है ये होती है लिगेंड। तो अब हमने दो ये चीज़ें जरूर पढ़नी है, एक तो सेंट्रल एटम पर मेटल पढ़ना है, सेंट्रल एटम पढ़ना है, और दूसरा हमने पढ़ना है इस लिगेंड्स को, ठीक है। तो सेंट्रल उसमें देखिए क्या होता है, जैसे सेंट्रल CNTRL सेंट्रल मेटल, तो सेंट्रल मेटल की पहली खासियत क्या होती है कि जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है या तो वो जीरो होना चाहिए और या पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव क्योंकि मेटल है। दूसरी बात, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पर देखो सेंट्रल एटम में क्या है Fe है, आपको पता है Fe जो होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में ऐसे आते हैं जैसे एक लाइन पहली वाली SCTIVCRMNFeCONICUZN, जनरली ये सारे क्या होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, ZN इसमें लेकिन एक्सेप्शनल केस है, वो यहाँ पर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। अब डी ब्लॉक एलिमेंट का क्या है कि अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन करें Fe का, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d6,
तो इसमें आप देख समझेंगे कि दो इनकम्प्लीट है, 3D6 है यानी कि 3 कम्प्लीट नहीं है, और 4S है तो 4P 4D 4F, इसमें दो सेल इनकम्प्लीट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और आप देखेंगे कि इनमें जो सेंट्रल मेटल होता है वो जनरली क्या होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट होती है। दूसरी बात आती है लिगेंड्स की। लिगेंड्स में ऐसा होता है कि लिगेंड्स वो होते हैं जिनके पास डोनर साइट होती हैं। अब क्या डोनर साइट, लोन पेयर, जिनके पास लोन पेयर डोनेटिंग साइट होती हैं, या ऐसे एलिमेंट जिनके पास लोन पेयर डोनेट करने के लिए होते हैं, उन्हें हम लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है NiCO का होल 4, और एक दूसरा है जैसे CONH3 का होल 3 Cl3। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देना है आपने, पहले वाले केस पे जो CO लिखा है ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये यहाँ पर को लिगेंड है इसमें, लेकिन ये यहाँ पर को कोबाल्ट है, ये लिगेंड नहीं है, सेंट्रल मेटल है, इसमें लिगेंड है NH3 और Cl। समझ में ही बात। अच्छा, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं लिगेंड्स के बाद हमें पढ़ना है, सेंट्रल मेटल आ गए और लिगेंड्स आ गए। अब हमें इस लिगेंड्स को क्लासीफाई करना है। जो लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स को जो हम क्लासीफाई करते हैं वो दो तरह से क्लासीफाई करते हैं, एक करते हैं चार्ज के बेस में। चार्ज के बेस में लिगेंड्स तीन तरह का होता है, न्यूट्रल, पहला क्या होगा न्यूट्रल होगा, दूसरा होगा एनायनिक, क्या होगा एनायोनिक, और तीसरा होगा कैटायनिक, कैटायोनिक। न्यूट्रल लिगेंड्स का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा लिगेंड्स अपने आप में कोई कंपाउंड्स हो सकते हैं, जो जैसे अमोनिया है NH3, ये न्यूट्रल लिगेंड है, H2O है एक्वा, ये न्यूट्रल लिगेंड्स है, कार्बोनिल ग्रुप न्यूट्रल लिगेंड है, नाइट्रोसिल ग्रुप न्यूट्रल लिगेंड है, और पिरिडीन बना रखी, पिरिडीन को बोलते हैं C5H5N, इसमें भी लोन पे है, ये सब लिगेंड है। और इस पिरिडीन को दिखाने के लिए एक एब्रिविएशन यूज करते हैं PY, तो NH3 तो हो गया, एमाइन लिखते हैं इसके लिए, AMMINE, ये लिखते हैं एक्वा, इसको कार्बोनिल, इसे नाइट्रोसिल, और इसे पिरिडीन। ऐसे इसमें क्योंकि क्या है, न्यूट्रल है, इसका मतलब इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। दूसरा होता है एनायनिक, जैसे एनायनिक में एफ नेगेटिव, CN नेगेटिव, CL नेगेटिव, PR नेगेटिव, CH3 C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, जैसे ऑक्सीडेटिव रहते हैं होता है C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, ये सब आपके एनायनिक लिगेंड्स में आ रहे हैं। ठीक है, एनायनिक लिगेंड बोले तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तीसरे होते हैं कैटायनिक, कैटायनिक लिगेंड्स पे क्या होता है, जैसे इस तरह से NO2 पॉजिटिव, या हाइड्रोजीनियम है जैसे NH2.NH3 पॉजिटिव, या हाइड्रोजीनियम हो गया, ये नाइट्रोनियम हो गया, ये आपके क्या हैं, कैटायनिक हैं। तो तीन तरह के लिगेंड्स बेस चार्ज के बेस पर होते हैं, न्यूट्रल, एनायनिक, कैटायनिक। जो न्यूट्रल लिगेंड्स होते हैं इनका नाम O पे एंड होता है, जैसे फ्लोरिडो, साइनाइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, इस तरह से। ठीक है, तो ये निगेटिव लिगेंड्स हो गए। इसके बाद एक लिगेंड्स को दूसरे तरह से भी क्लासिफाई किया जाता है, उनकी डेंटेट के बेस पे, डेंटेट, और इसको यह बोलते हैं डेंटिसिटी। डेंटेट और डेंटिसिटी में कोई ज़रा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपने समझना है। इसमें क्या होता है, जिसके पास एक लोन पेयर डोनेटिंग साइट होती है, या ये कहें कि हम उनकी लोन पेयर डोनेटिंग साइट के बेस पे देखते हैं कि किसके पास कितनी लोन पेयर डोनेटिंग साइट है, वही उसकी डेंटेट को बताता है। जैसे आपने देखा था C(NCN), इसके पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज है, एक लोन पेयर है, या जैसे Cl है, Cl में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत से लोन पेयर हैं, लेकिन देने वाली साइट एक ही एटम डोनर आइटम है इसमें Cl, और इसमें एक ही एटम डोनर है N। तो ऐसे लिगेंड जो हो गए ये कहलाते हैं यूनिडेंटेड, जिनकी डेंटेट एक हो, या मोनोडेंटेट। ऐसे ही दूसरे तरह के लिगेंड आते हैं जिनकी दो साइड होती हैं, CH2NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2NH2
इनके पास एक साइड इस नाइट्रोजन के पास है, एक साइड इस नाइट्रोजन के पास है, तो ये होते हैं डाइडेंटेट लिगेंड, ये और बाइडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इनको। तीसरे होते हैं जैसे ऐसे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, हेक्साडेंटेट होते हैं, इसको इसका एब्रीवेशन बोलते हैं ईएन, एथिलीन डाइएमीन। फिर ऐसे जैसे ये होता है, देखिए एथिलीन डाइएमीन CH2 है, इससे NH2 एक एन हो गया, एक दूसरा एन हो गया, और इनसे एसीटेट जुड़ जाए, जैसे CH2C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, CH2C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, इससे CH2C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, इससे CH2C डबल बॉन्ड O O नेगेटिव। तो इसमें क्या बोलेंगे, एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट, यानी EDTA, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो एथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट जो है वो हेक्साडेंटेट है, क्योंकि इसकी डेंटिसिटी क्या है, 6 है। डेंटिसिटी 6 क्यों है, क्योंकि इसके पास एक ऑक्सीजन ये डोनेट करने वाला है, एक ही ऑक्सीजन डोनेट करने वाला है, एक ही है, एक ही है, एक ही नाइट्रोजन है, एक ही नाइट्रोजन। इसके पास 6 डोनर एटम है या 6 डोनेटिंग साइट है, इसलिए क्या होगा आपका हेक्साडेंटेट लिगेंड हो जाएगा। तो आज टॉपिक को यहीं पर हम समाप्त करते हैं।